मेरे लिए उन कुंवारी लड़कियों को इकट्ठा करो जो पुरुष संभोग नहीं जानती। 102 कुंवारी लड़कियां मेरे लिए उन कुंवारी लड़कियों को इकट्ठा करो जो पुरुष संभोग नहीं जानती। 102 कुंवारी लड़कियां पशुपति का प्रेत हाथ अविवाहित कुंवारी लड़कियों की तलाश में रात में गांव-गांव घूमते हुए। सो रही औरतों को ध्यान से देखती है। गले में मंगलसूत्र, पैरों पर बिछिया और माथे पर सिंदूर रहने पर वापस चली जाती है। अविवाहित कन्या हो तो वो हाथ रेंगकर कन्या का पैर पकड़ लेती है। यदि पशुपति का कड़ा लाल चमकता है तो वो कन्या कुमारी नहीं है, उसे वो कुछ नहीं करती। अगर कड़ा हरे रंग में चमकता है तो वो लड़की कुमारी है। उसके हाथ से काला धुआं निकलता है जो उस धुएं की गंध को सूंघ लेता है। वो बेहोश होकर गहरी नींद में चले जाते हैं। उस बेहोश लड़की को वो हाथ उठाकर ले जाती है। इस गांव का नाम पालमपुर है। पिछले कुछ समय से पालमपुर के आसपास के गांव में लड़कियां गायब हो रही है। पता नहीं वे कहां जा रहे हैं, पहाड़ियों में, जंगलों में, जहां भी ढूंढने पर गायब हुई लड़कियां नहीं मिल रही है। सब लोग सावधान रहें, खासकर जिस घर में लड़कियां हैं उन्हें बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि पिछले 3 हफ्तों में पड़ोसी गांव को मिलाकर कुल 17 लड़कियां गायब हो चुकी हैं। सभी अविवाहित कुंवारी लड़कियां हैं। साहब, ये किसका काम हो सकता है, चोर या भूत? मुझे भी नहीं पता, इसलिए आज से हर गली में एक व्यक्ति बारी बारी से पहरा देगा। अरे अर्जुन, तुम और तुम्हारे दोस्त हमारे गांव की रखवाली करो। ठीक है साहब, हम ध्यान रखेंगे। डरिए मत, सावधान रहे, अंधेरा होने पर बाहर मत आना। जवान कुमारी लड़कियां गायब हो रही हैं, तो इसका मतलब प्रेमी के साथ भाग जा रही हैं। इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है? ए बुढ़िया, खबरदार, बुजुर्ग होकर बिना कुछ जाने लड़कियों को दोष देने से तुम्हारा मुंह नहीं कांपा? तुम रुको अर्जुन, वो बुढ़िया ऐसी ही बात करती है, इससे पंगा क्यों लेना। हे बुढ़िया, चलो तुम्हारी बात सच मान लेते हैं। अगर लड़कियां अपने प्रेमी के साथ भाग जाती हैं तो लड़कों को भी तो गायब हो जाना चाहिए। किसी भी गांव में एक भी पुरुष के लापता होने की कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसका मतलब इन लड़कियों के गायब होने के पीछे कोई साजिश है। इसका पता लगाकर उन लड़कियों को बचाना होगा। ग्राम प्रधान ने जो भी कहा उससे सभी सहमत थे। पालमपुर के आसपास के सभी गांव में ढिंढोरा पिटवाया गया। जब तक हम लड़कियों के गायब होने का रहस्य नहीं जान लेते तब तक हर कोई सावधान रहे। बराहुशार, बराहुशार, अंधेरा होने के बाद कोई बाहर नहीं आना। बराहुशार, बराहुशार। देखो, अच्छा होगा कि हमारी लड़की के पैरों में लोहे के जंजीर डालकर ताला लगा दो। प्रेम दीवाना है, भूत है, पिशाच है, लड़की महफूज रहेगी। इस तरह अंधेरा होने पर लड़कियों को दरवाजे बंद करके बाहर से ताला लगा रहे हैं। कुछ लोग पलंग से लोहे की जंजीर से बांध रहे हैं। जबकि ऐसा था, अर्जुन अपने दोस्तों के साथ मिलकर गली में एक एक करके रखवाली कर रहे हैं। अर्जुन का पेशा मछली पकड़ना है। पालमपुर गांव से बहने वाली सिंधुरा नदी जाकर समुद्र में मिलती है। अर्जुन अपने दोस्तों के साथ मिलकर मछली पकड़कर अपना गुजारा करता था। अर्जुन की 2 छोटी बहनें हैं, अरुणा और अदिति। बहन अरुणा, अदिति, कल रात हमने पहरा दिया था, इसलिए कोई लड़की गायब नहीं हुई। आज रात को भी पहरेदारी करने जा रहे हैं। तुम दोनों सावधान रहना, दरवाजा अच्छी तरह बंद करके सोना। ठीक है भैया, तुम सावधान रहना। दूसरे दिन पहरा दे रहे हैं तभी रंगा आता है। अरे ओ मामा, मुझे बताओ कि किस तरह पहरा देना है। सरहद की तरह पहरा देना। लेकिन तुम कल क्यों नहीं आए रंगा? हमारे गांव में सेठ की दादी मर गई,
उन्हीं कामों की वजह से नहीं आ सका। अच्छा ठीक है सरहद पर जाओ, हमारी इजाजत के बिना एक चींटी भी गांव में आ नहीं सकती। सब लोग ध्यान से पहरा दे रहे हैं। आधी रात हो रही थी, सारा गांव सो गया। अचानक कहीं से बातें सुनाई दे रही थी। मेरे लिए 102 कुंवारी लड़कियों को इकट्ठा करो जो पुरुष संभोग नहीं जानती। 102 कुंवारी लड़कियां। उन बातों को सुनकर एक एक करके गिर रहे हैं। रखवाली के लिए लाए लाठियां वहीं छोड़कर जहां वे खड़े थे वहीं गिरकर खराटे मारकर सो गए। अर्जुन के हाथ का कड़ा चमक रहा था। जैसे ही उस पर काला धुआं छा गया, उसका हाथ कटकर नीचे गिर गया। चलते हुए जाता है, घर घर घूमता है। एक घर में रुककर सोई हुई लड़की का पैर कसकर पकड़ा तो उसके हाथ का कड़ा हरे रंग में चमक उठा। हाथ से काला धुआं निकला तो घर के सभी लोग नींद में बेहोश हो गए। उस लड़की को घसीटते हुए ले जाना चाहता था, लेकिन हाथ में लोहे की जंजीर बंधी थी। लेकिन हथेली में स्थित आंख से रोशनी आकर जंजीर पर पड़ते ही जंजीर के सारे टुकड़े हो गए। अगले दिन गांव में हलचल मच गई। पहरेदारी होने के बावजूद भी एक लड़की कैसे गायब हो गई? सभी सर पीट रहे थे। ये इंसानों का काम नहीं है, किसी भूत का काम है। लोहे की जंजीर को टुकड़े टुकड़े करके लड़की उठा ले गई। हाँ, मेरे पति ठीक कह रहे हैं। इतनी मोटी जंजीर को एक छोटी सी आवाज किए बिना कैसे तोड़ सकते हैं? यानी ये इंसानों का काम नहीं है। बाप रे, ऐसी बात है तो मैं अपनी बेटी को लेके मायके चली जाती हूँ। सिर्फ हमारे गांव में ही नहीं, आसपास के सभी गांव में यही समस्या है। हम जहाँ भी जाते हैं हमारी लड़कियाँ सुरक्षित नहीं है। इस समस्या का समाधान मौन मुनि से पूछना होगा। मौन मुनि को सारी बात बताकर समाधान पूछने पर मैं पूजा करके कुछ ताबीज दूंगा। उन्हें अविवाहित लड़कियों को बांध देना। जब तक ये पता नहीं चलता कि ये सब कौन कर रहा है, पूरा समाधान नहीं बता सकता। मौन मुनि द्वारा दिए गए ताबीज आस पड़ोस के सभी गाँव में अविवाहित लड़कियों के हाथ पर बांध दिए गए। एक दिन रात को सब पहरा दे रहे थे। मेरे लिए 102 कुंवारी लड़कियां इकट्ठा करो जो पुरुष संभोग नहीं जानती। 102 कुंवारी लड़कियां। अर्जुन के हाथ का कड़ा चमक रहा था। जैसे ही उस पर काला धुआं छाया, उसका हाथ कटकर नीचे गिर गया। चलते हुए जाता है, घर घर घूमता है। हाथ अर्जुन के घर जाकर बंद कमरे के दरवाजे पर जाकर रुकती है। हथेली में स्थित आंख से रोशनी आकर ताले पर पड़ते ही ताला तुरंत टूट गया। सोई हुई अरुणा को उठाकर ले गई। सुबह होने ही वाली थी। हाथ हवा में उड़ते हुए आकर अर्जुन के कंधे से चिपक गए। अगले दिन गांव में हलचल मच गई। अदिति रो रही थी। अर्जुन की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। लोहे की जंजीर और स्वामी जी द्वारा दी गई ताबीज किसी काम की नहीं है, अब क्या करेंगे साहब? क्या तुम लोग ठीक से रखवाली कर रहे हो? सगी बहन की भी रक्षा नहीं कर सके। साहब, हम अच्छी तरह से रखवाली कर रहे हैं, लेकिन अचानक मदहोशी छा जाती है। उठकर देखने पर सुबह हो जाती है। सब कुछ माया जैसा लगता है। इस तरह की जटिल समस्याओं का हल सिर्फ एक ही कर सकती है, मंत्रों वाली बूढ़ी काकी। मंत्रों वाली काकी को यहाँ लाना होगा। सिर्फ काकी ही हमें बचा सकती है। बिना एक मिनट भी सोचे अर्जुन रंगम हुआ जाते हैं। जो कुछ हुआ था काकी को बताकर। काकी, मेरी बहन के साथ और बहुत सी लड़कियां गायब हो गई हैं। जंगल, पर्वत, पहाड़ियां, कहीं भी ढूंढने पर उनका पता नहीं मिला। वे जीवित भी हैं या नहीं पता नहीं। आपको ही हमारे गांव की लड़कियों को बचाना होगा। काकी को साथ लेकर रात होने तक गांव पहुंचकर
काकी को अपने ही घर में ठहराया। काकी यात्रा करके थक गई होंगी, आप जाकर सो जाओ, मैं जाकर रखवाली करता हूँ। ऐसा कहकर अर्जुन चला गया। मंत्र वाली काकी अदिति के बगल में ही सोई हुई थी। आधी रात बीत चुकी थी। सुनसान गांव में कुछ बातें सुनाई दे रही थी। मेरे लिए 102 कुंवारी लड़कियां इकट्ठा करो जो पुरुष संभोग नहीं जानती। 102 कुंवारी लड़कियां मेरे लिए 102 कुंवारी लड़कियां इकट्ठा करो जो पुरुष संभोग नहीं जानती। 102 कुंवारी लड़कियां सभी उन बातों को सुनकर बेहोशी में चले गए, लेकिन बेताल का ताज धारण करने वाली काकी को वो मंत्र कुछ नहीं कर सकी। काकी बाहर आकर देखती है, पहरेदारी करने वाले सारे लड़के जहां खड़े थे वहीं गिरकर सोए पड़े थे। अर्जुन के हाथ का कड़ा चमक रहा था, काकी के देखते हुए उसका हाथ कट गया। उंगलियों पर चलते चलते घर घूमता है, खिड़कियां दरवाजे तोड़कर कुंवारी लड़कियों को ढूंढ रही थी। काकी उस हाथ का पीछा करते हुए जाती है, घूम घूम कर अर्जुन के घर आता है। अदिति का पैर पकड़ते ही कड़ा हरे रंग का हो गया। काकी के देखते हुए अदिति को हवा में उठाकर ले जा रहे थे। काकी ने अपनी बेताल छड़ी निकाली। हिडिम्बिका का ब्रगजमांजु, स्तंभिका का ब्रजमांजु, हिडिम्बिका का ब्रजमांजु, स्तंभिका का ब्रजमांजु, मंत्रस्बिका का ब्रजमांजु, मंत्रांबिका का ब्रजमांजु। बस इतना कहते ही बेताल की छड़ी से प्रकाश आकर अदिति पर पड़ा। अदिति आंखें खोलकर जोर से चीखते ही पशुपति का हाथ अदिति को छोड़कर अपने हाथ की हथेली में आंख खोलती है। काकी की बेताल शक्ति के सामने टिक नहीं पाई। तालाब में गिरने के बाद होश में आकर अदिति तैरकर किनारे पर आती है। कमजोर अतिथि को काकी घर ले आकर बिस्तर पर लिटा देती है। बाहर जाकर देखने पर अर्जुन का हाथ सामान्य था। काकी समझ गई कि समस्या कहाँ है। सुबह होते ही गांव के बीचों बीच सभा बुलाकर हर घर के दरवाजे पर अपने हाथों को लाल पानी में डुबोकर हथेली का निशान डालें और भोर होने तक बाहर मत आना। ऐसा कहकर अर्जुन के पास जाकर अर्जुन तुम्हारे हाथ का कड़ा सोना लग रहा है, तुम तो मछली पकड़कर जीने वाले एक गरीब इंसान हो, इतना कीमती कड़ा तुम्हारे पास कहां से आया? दादी, इस कड़े के पीछे एक बड़ी कहानी है। ये वो कड़ा है जिसने मेरी जान बचाई। एक महीने पहले हम समुद्र में शिकार करने गए थे। हम गलती से तूफान में फंस गए, हमारी नाव बहते हुए चली गई। भोर होते ही तूफान थम गया, समुद्र शांत हो गया, हम निश्चिंत हो गए। लेकिन हमें किनारा दिखाई नहीं दे रहा था, जहां देखो समुद्र ही समुद्र है। अचानक कहीं से एक बहुत बड़ा भंवर आया और हमारी नाव को समुद्र में खींच कर ले गया। मेरे साथ आए सभी लोग पानी में डूब कर मर गए। मैंने जैसे तैसे अपनी सांसें रोकी, अपनी पूरी ताकत जुटाकर ऊपर आना चाहता था। पानी के निचले तल पर भंवर की तेज गति से समुद्र के तल पर चला गया। वहां कुछ अजीब सा बड़ा पत्थर पिंजरा था जिसमें कुछ कराह सुनाई दे रही थी। जैसे ही मैंने उस चट्टान पर हाथ रखा, एक बड़ी सी बिजली चमकी और मैं दूर उड़ गया। मैं तैर कर पानी के ऊपर आ गया। कुछ देर सांस लेकर मैं फिर वापस भीतर जाकर देखा तो वो पिंजरा घूमने लगा। उसमें एक कड़ा लुढ़कता हुआ आया, सोने का कड़ा था।
इसलिए मैंने वहीं पर हाथ में उसे पहन लिया। वो पत्थर का पिंजरा बहुत तेजी से घूम रहा था और समुद्र में भंवर पैदा कर रहा था। उसकी गति से मैं पानी में बह गया। होश में आने पर समुद्र के किनारे था। चलो जान बच गई करके घर वापस आया काकी। पत्थर का पिंजरा? हाँ काकी, उसकी आंखें भी थी, एक बड़े घोंघे की तरह दिखता है, और काकी उसके 8 पैर भी हैं। अर्जुन, उस कड़े का गायब होने वाली लड़कियों से कुछ तो लेना देना है। जब से वो तुम्हारे हाथ में आई है तब से इन लड़कियों का अपहरण हो रहा है। तुम इतनी देर तक समुद्र में बिना सांस लिए कैसे रह सकते हो? क्या तुमने कभी सोचा है अर्जुन? अब क्या कह रही हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा काकी। क्या ये कड़ा ही लड़कियों को गायब कर रहा है? नहीं, तुम्हारा कड़ा पहना हुआ हाथ। काकी ने जो कुछ कहा उसे बताकर। तुम्हें भी पता नहीं इस तरह तुम्हारा हाथ लड़कियों को उठा ले जा रहा है। हमें ये पता लगाना है कि कहां ले जा रही है। अदिति के हाथ के ताबीज देखकर। एताबी का ताबीज तुम्हारे हाथ में क्यों है? मौन मुनि ने दिया काकी, ये भी किसी काम का नहीं है काकी। मेरी बड़ी बहन अरुणा ने भी ताबीज पहना था, फिर भी उठा ले गई। एताबी ताबीज के द्वारा अरुणा जहाँ पर है उस जगह का पता लगाया जा सकता है। मौन मुनि के आश्रम जाकर सब कुछ बताया जो हुआ था। आपने एताबी का ताबीज क्यों दिया स्वामी? वो तो रक्षा ताबीज नहीं है। मैं लापता लड़कियों का पता लगाना चाहता था, लेकिन बाद में इनके गांव से कोई भी मेरे पास नहीं आया। क्षमा कीजिए स्वामी, ताबीज बांधने के बाद भी मेरी बहन अरुणा गायब हो गई थी। ताबीज काम नहीं आया इसलिए आपके पास नहीं आए। कोई बात नहीं, एताबी यज्ञ करके तुम्हारी बहन का पता लगाऊंगा। यज्ञ करके उसमें से निकलने वाले काले भस्म को आवारा कुत्ते के माथे पर लगाकर सूंघने पर वो गायब हो गई। अरुणा को ढूंढते हुए जा रही थी। अर्जुन, मुझे वो कड़ा दे दो और तुम उस कुत्ते के पीछे जाओ, लापता लड़कियों को लेकर आओ। वास्तव में ये कड़ा क्या है, ये लड़कियों को क्यों उठा रही है, मैं पता लगाऊंगी। अर्जुन कुत्ते के पीछे जा रहा है। काकी बेताल रंगोली बनाकर उसमें कड़ा रखकर मंत्र पढ़ रही है। गाबरा जामन जू, गाबरा जामन जू। उसमें से एक आत्मा निकलकर। अरे बुढ़िया, मेरे रास्ते में मत आना, नहीं तो मरोगी। तुम पशुपति की इस प्रेत शक्ति के सामने टिक नहीं सकोगी। जाओ, चली जाओ। आखिर तुम कौन हो? तुम क्यों नादान लड़कियों को उठा ले जा रहे हो? मेरे गुरु के साथ मिलकर गुप्त गुफाओं में 390 साल पहले बिना मृत्यु के हमेशा जवान रहने के लिए शुद्र शक्ति को प्रसन्न किया, जिसमें हम दोनों को वर सिद्धि प्राप्त होने से पहले मैंने अपने गुरु का सिर काट कर मार दिया, क्योंकि उसकी पत्नी अरुंधति मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय थी। मैं उसे अपने रास्ते से हटाकर अरुंधति से विवाह करके उसे अपना बनाना चाहता था, लेकिन अरुंधति इसके लिए राजी नहीं हुई। अरुंधति को एक छोटे से द्वीप में बंदी बनाकर रोज उसे शादी के लिए मनाता था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए तुमसे कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं तुमसे प्यार से पूछ रहा हूँ, तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है, मुझसे शादी कर लो, नहीं तो तुम इसी द्वीप में मर जाओगी। अरुंधति जानती थी कि मैं मृत्युंजय हूँ, मुझे मारने का कोई मार्ग नहीं है, लेकिन समुद्र में जीने वाला जीव मुझे बंदी बना सकता है। वैसे भी अरुंधति भी तो तांत्रिक की पत्नी है। 8 टांगों वाला समुद्र घोंगा, 400 साल तक जिंदा रहने वाला प्रजाति घोंगा, मंत्र शक्ति से समुद्र के पानी के ऊपर एक मंडप बनाकर, इसका अर्थ है 8 टांगों वाला मंडप, ऊपर से चट्टान जैसे दिखने वाला समुद्र जीव मंडप, मुझे शादी के लिए राजी होकर प्यार का नाटक करके मुझे उस मंडप में ले गई। अरुंधति के लिए अंतहीन प्यार मोह ने मुझे अंधा बना दिया। वो मंडप मायावी मंडप है, मैं जान न सका। उसमें बैठते ही दोनों को 8 पैरों से बांधकर समुंदर के अंदर ले गई। वो जीव पत्थर में बदल गई। अरुंधति मेरी आंखों के सामने ही सांस ना ले सकने के कारण मर गई, सड़कर हस्ती पंजर बन गई। उस जीव का जीवन काल और 10 साल है,
इसलिए 102 कुंवारी लड़कियों को इकट्ठा करके खगोला को दहन बलि देने से मर गई मेरी अरुंधति फिर से जीवित हो जाएगी। अनजाने में ही कोई एक समुद्र के तल में आया, मैंने उसे अपने कड़े का लालच देकर उसे आवाहन कर लिया। गांव में जो भी मरता है उस दिन पूर्णिमा और अमावस्या को मेरी शक्ति क्षीण हो जाती है। बाकी दिनों में कुंवारी लड़कियों को उठाकर अरुंधति को जिस द्वीप में छिपा कर रखा था उसी द्वीप में अंधेरी घाटियों में छिपा कर रखता था। ओ, इसका मतलब अरुंधति ने जीव बंधन तंत्र का प्रयोग किया। ये सब कहानी सुनाकर तुम अपना गड्ढा खुद ही खोद लिया है मूर्ख। जीव बंधन तंत्र करके गाब्रा जामन जो उस भस्म को लेकर जंगल के रास्ते पर जाती है। एक हाथ में भस्म, दूसरे हाथ में बेताल मंत्र की छड़ी, छड़ी पर लटका हुआ कड़ा। मेरे लिए उन कुंवारी लड़कियों को इकट्ठा करो जो पुरुष संभोग नहीं जानती। 102 कुंवारी लड़कियां कुंवारी लड़कियों को इकट्ठा करो जो पुरुष संभोग नहीं जानती। 102 कुंवारी लड़कियां अरे ओ बदमाश, कुमारी लड़कियां चाहिए तुम्हें? कुमारी लड़कियां? नीच, रुको अभी तुम्हारी खबर लेती हूँ। कड़ा नीचे फेंक कर अपनी विताल शक्ति से कड़ी को भस्म कर देती है। जीव बंधन तंत्र का भस्म समुद्र में डालते ही उस चट्टान को एक और 8 पैरों वाला घोंघा लपेट लेता है और चट्टान में बदल जाती है। अगले 400 वर्षों तक इसकी पीड़ा समाप्त हो गई। वहां अर्जुन कुत्ते का पीछा करते हुए नाव में समुद्र पार कर द्वीप में जाकर देखने पर गुफा की घाटी में अरुणा के साथ और बहुत सारी लड़कियां हैं। अर्जुन उन सभी को गांव ले आता है। पशुपति के प्रेत हाथ से रक्षा करने के लिए सभी मौन मुनि और मंत्रों वाली काकी को धन्यवाद देते हैं।